नमस्कार दोस्तों, हाईसेंस की बहुत ज्यादा डिमांड होने के कारण इसका मैं पूरा डिटेल के अंदर वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये जो मॉडल है, सबसे पहले इस मॉडल की बात कर ले, ये E7 सीरीज है। ये E7 के प्रो सीरीज नहीं है, ये E7 सीरीज है। QLED टीवी है, हाईसेंस की तरफ से आता है और पावर्ड बाय वीडा। वीडा इसके अंदर सॉफ्टवेयर का नाम है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वीडा पे ऑपरेट करता है। ये गूगल टीवी नहीं है, टाइजन नहीं है, वेबओएस नहीं है, बस उसी की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है वीडा। बहुत सारे ब्रांड इसको जापान वगैरह के अंदर बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इस वाले ओएस को, ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने टीवी के अंदर। उसी तरह से तोशिबा और हाइसेंस भी करते हैं। तो ये हाइसेंस की तरफ से आने वाला E7 सीरीज का रिव्यू वीडियो है, जो कि 55 इंची का टीवी है। ऑनलाइन इसकी प्राइस जो रहती है वो हमेशा 37,000, 37,999 या 40,000, 40,999 फ्लक्चुएट होती रहती है। डिजिटल अब जयपुर पे 37,000 के अंदर साउंड बार भी फ्री दे रहे हैं। साउंड बार लेना चाहो तो साउंड बार ले सकते हो, कूलर लेना चाहो तो कूलर ले सकते हो, या फिर सूर्या का 10 लीटर जिसकी MRP 9,040 है वो भी ले सकते हो। तीनों में से कोई एक गिफ्ट ले सकते हो। अब करते हैं इसके रिव्यू की बात, कि इसके ऊपर डब्बे पे क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले QLED टीवी है, क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी के ऊपर ही आता है। छोटी छोटी LED लाइट्स इसके अंदर लगी हुई होती है, उस वजह से इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो एंड ब्राइटनेस काफी अच्छी रहती है। 55 इंची का ये है, 139 cm। और सबसे मेन बात, सबसे ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। मेड इन इंडिया ये प्रोडक्ट है। इसके अंदर अपन फीचर्स की बात कर ले तो डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस दोनों आते हैं, दोनों इसके अंदर मिल जाएंगे। ब्लूटूथ मिल जाएगा, 4K HDR का सपोर्ट है। उधर लिखा हुआ है क्वांटम डॉट कलर, यानी जो मैंने आपको बताया QLED टीवी है, इस वजह से इसमें लिखा हुआ है क्वांटम डॉट कलर। गेम मोड प्लस भी है, डॉल्बी विजन HDR भी है, वॉइस रिमोट भी है। ये तो है इसके ऊपर जो डब्बे पे लिखा हुआ है उसकी डिटेल्स। बाकी इसकी अनबॉक्सिंग पे बताते हैं कि कैसा ये अंदर से दिखता है और क्या क्या इसके बॉक्स के अंदर निकलता है। ऐसा आता है इसका रिमोट, हाइसेंस लिखा हुआ है, और देखो ये खड़ा भी हो जाता है ऐसे। दीवार वाला स्टैंड इसके साथ टेबल के अंदर, ये इसके बॉक्स के अंदर आता है। टेबल वाले स्टैंड भी आता है, ये वाले जो दोनों हिस्से हैं, ये टेबल वाले स्टैंड भी इसके साथ आते हैं। प्लस यूजर मैनुअल आता है और जो टेबल स्टैंड है उसके स्क्रू इसके साथ आते हैं। बात करें इसके फीचर्स की तो 1.5 GB रैम है, 4 GB इंटरनल है और वीडा सॉफ्टवेयर पे काम करता है। ये जो आप इसका देख रहे हो वीडा आर्ट, जो ये बार बार लिखा आ रहा है वीडा वीडा वीडा, ये वीडा ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करता है, इसलिए इसका सॉफ्टवेयर कुछ इस तरह से दिख रहा है। गूगल टीवी का कुछ और तरीके से दिखता है, इसका जो इंटरफेस है वो इस तरीके का है। 1.5 GB रैम है, 4 GB इंटरनल है, 24 watts का साउंड है। QLED टेक्नोलॉजी पे ये टीवी काम करता है। अगर आपको देखनी है कैसी क्वालिटी है, तो मैं कोई और कॉन्टेंट तो चला नहीं सकता, तो मैं खुद का ही कॉन्टेंट आपको चला के दिखाता हूँ यूट्यूब पे। ये मेरा वीडियोस है कुछ, ये वाली मैं चला देता हूँ जो मैंने लेके अपलोड करी है। मैं लेके आया हूं LG की फुली ऑटोमेटिक 7.5 kg की वॉशिंग मशीन, जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर। ब्लैक एंड ग्रे कलर के साथ आती है, ऑनलाइन 21,000 से 22,000 रुपए की मिलती है। डिजिटल जयपुर पे ओनली 17,500 रुपए की मिलेगी। अगर आप देखना चाहते हो तो कैमरा में जल्दी पे फोकस करो। ये इस तरह की कुछ दिखती है, ऊपर से ब्लैक कलर का एलिमेंट आता है। कोई मैं आपको लॉन्ग वीडियो फॉर्मेट दिखाता हूँ, जैसे कि ये चिमनी वाला है, ये पूरा इसमें खुलेगा। क्वालिटी वाइज इस टीवी के अंदर कोई भी कमी नहीं है, टीवी बढ़िया चल रहा है। और साउंड की जो क्वालिटी वो भी अच्छी है। 24 वॉट सिर्फ दिखने में ऑन पेपर छोटा लग रहा है, बट 24 वॉट मोर देन इनफ होता है, अच्छा दिख रहा है। क्वालिटी वाइज जो इसका प्रोसेसर है, जो स्पीड है वो भी काफी अच्छी है, क्वालिटी मुझे डिसेंट इनफ लग रहा है। हाइसेंस एक चाइनीज ब्रांड है, मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि हाइसेंस जो है चाइनीज ब्रांड है, मेड इन इंडिया इसके ऊपर सिर्फ लिखा हुआ आता है, मतलब इंडिया के अंदर असेंबलिंग हो रही है, लेकिन ब्रांड जो है वो चाइनीज ब्रांड के अंदर है। और हाइसेंस बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं है, बहुत ज्यादा सस्ता भी नहीं है, एक मिड रेंज बजट वाले टीवी बनाता है। जैसे कि आपको 30,000 से लेके 40,000 के बीच इसके 55 इंची काफी सारे मॉडल मिल जाएंगे, जैसे E7 हो गया, E7 के प्रो हो गया, आपको E6K हो गया, ऐसे कुछ करके इसके 3-4 प्रोडक्ट्स आते हैं।
अभी मेरे पास ये वाला है, फ्यूचर के अंदर हाइसेंस के सारे वीडियो मैं लेके आऊंगा। अगर आप कमेंट के अंदर जो बोलोगे कि हाइसेंस के और वीडियोस चाहिए, तो आपको अगर किसी भी ब्रांड का किसी भी टीवी का रिव्यू चाहिए तो मुझे बल्क के अंदर आप जो ज्यादा मुझे क्वांटिटी लगेगी ना कि इसके कमेंट सबसे ज्यादा है, तो वो टीवी का रिव्यू मैं पक्का लेके आऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियोस को देखें। थैंक यू सो मच।